नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य धीरज बलूनी डिवाइन कोश में आपका स्वागत करता हूं। रत्न ज्योतिष में आज हम आपको जानकारी देंगे तुला लग्न में जो हम स्टोन पहन सकते हैं, कौन कौन से पहन सकते हैं, कौन कौन नहीं पहन सकते हैं, तुला लग्न के जातक को कौन सबसे अच्छा स्टोन जो है फायदा करेगा, कौन नुकसान करेगा, उसके संबंध में जानकारी देंगे। और एक निवेदन भी हम आपसे करेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह जानकारी जन जन तक पहुंचाएं। सबसे पहले देखेंगे कि तुला लग्न में सूर्य का रत्न माणिक पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। तुला लग्न में शुक्र जो है लग्न का स्वामी होता है, सूर्य का शत्रु होता है और ग्यारहवें भाव का एक ग्यारहवां भाव है, ग्यारहवां भाव का स्वामी सूर्य होता है। इसलिए इस लग्न के व्यक्तियों को सिर्फ सूर्य की महादशा में ही माणिक पहन सकते हैं, क्योंकि सूर्य एकादश भाव में बैठा हो या सूर्य शुभ भाव में हो, नवम में हो, दशम में हो, तभी पहनना चाहिए। अब बात करेंगे हम तुला लग्न में चंद्रमा का स्टोन मोती के संबंध में कि तुला लग्न में हम मोती पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं। तुला लग्न में जो चंद्रमा है दशम भाव का स्वामी बनता है, दशम भाव शुभ भाव होता है। हालांकि चंद्रमा और लग्नेश शुक्र में मित्रता नहीं है, फिर भी तुला लग्न वाले जातक राज्य कृपा यश कीर्ति मान सम्मान के लिए मोती धारण जरूर कर सकते हैं, विशेष लाभकारी होगा। इसी प्रकार से हम तुला लग्न में मंगल के रत्न मूंगा के बारे में बात करेंगे। मूंगा द्वितीय भाव का स्वामी है, सप्तम भाव का स्वामी है, प्रबल मार्केश होता है और लग्ने शुक्र का शत्रु होता है। इसलिए इस लग्न वाले व्यक्तियों को भूलकर भी मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे हम तुला लग्न में बुध का रत्न पन्ना के संबंध में। पन्ना रत्न इसमें पहन सकते हैं नहीं पहन सकते हैं, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि बुध को कौन कौन सी लॉर्डशिप इसमें मिली हुई है। बुध है आपका नवम भाव भाग्य स्थान का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी, और नवम भाव का और लग्न का बहुत अच्छा मित्र संबंध है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे तुला लग्न के लिए बुध का रत्न पन्ना के संबंध में। इस लग्न के लिए जो पन्ना बनता है नवम भाव का स्वामी है और बारहवें भाव का स्वामी है, और लग्नेश का जो शुक्र है उसका बुध अति मित्र है, बहुत घनिष्ठ मित्रता मित्र संबंध है और केंद्र त्रिकोण का संबंध होने के कारण आप इसको पहन सकते हैं। लेकिन साथ ही नवें भाव का स्वामी भी होने के कारण तुला लग्न में बुध को क्षुद्र ग्रह माना गया है, अतः इस लग्न में हीरे के साथ पन्ना धारण करना चाहिए, क्योंकि लग्न का स्वामी शुक्र और बुध परम मित्र है। यह मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस लग्न में अगर कोई योग कारक ग्रह है तो सर्वाधिक योग कारक ग्रह बुध है, अतः आप बिना रोक टोक के बिना झिझक आप पन्ना जरूर पहने। अगर पन्ना अच्छा भावस्थ शुभ भावस्थ हो, लग्न में हो, चतुर्थ भाव में हो, नवम भाव में, दशम भाव में, एकादश भाव में अगर आपका बुध हो तो बहुत ही योगकारी यहाँ पर फल देगा। मित्रों, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे तुला लग्न में बृहस्पति रत्न पुखराज के संबंध में। तुला लग्न के लिए जो बृहस्पति बनता है तृतीय भाव का स्वामी है, छठे भाव का स्वामी है, और इस लग्न के लिए विशेषतः बृहस्पति और शुक्र आपस में मित्र नहीं है, शत्रुभाव है। इसलिए शुक्र की जो तुला लग्न की कुंडली है उसमें हम पुखराज तो नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि तृतीय भाव भी अच्छा भाव नहीं है, छठा भाव भी अच्छा भाव नहीं है। लेकिन अगर बृहस्पति आपके अच्छे भाव में बैठा है, नवम भाव में बैठा है, पंचम भाव में बैठा है, दशम भाव में बैठा है, एकादश भाव में बैठा है, तो बृहस्पति की दशा अंतर दशा में हम पुखराज जरूर पहन सकते हैं। इसी प्रकार से हम बात करेंगे तुला लग्न में शनि का रत्न नीलम के संबंध में। इस लग्न के लिए जो शनि की राशियां बनती है चतुर्थ भाव और पंचम भाव सर्वाधिक योग कारक है, और शनि इस लग्न के लिए सर्वाधिक योग कारक है, उसके बाद बुध सर्वाधिक योग कारक है। इसलिए अगर आपका शनि चतुर्थ भाव में हो, पंचम भाव में हो, सप्तम में हो, सप्तम में नीच का हो जाता है, नवम में हो, दशम में हो, एकादश में हो, तो आप शनि का रत्न नीली या नीलम बेझिझक पहन सकते हैं, बिना रोक टोक के पहन सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको जानकारी दी तुला लग्न के संबंध में कि तुला लग्न में
आप कौन सा रत्न धारण करें, कौन सा नहीं करें, कौन सा रत्न आपके लिए फायदेमंद होगा, कौन सा नुकसानदायक होगा, यह जानकारी आपको कैसे लगी, इसके लिए पुनः मैं छोटा सा निवेदन आपसे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।